वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में वैसे तो मैंने आपसे कुछ और बात करनी है, लेकिन जो पाकिस्तान जो जिम्बाब्वे से हारा है ना, वो अभी तक मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। मतलब पाक पीना में लेट हुआ, ये सबसे पहले तो उसे जाके पकड़ो जिसने पाकिस्तान का पाक बीन भेज दिया। मतलब नकली बीन भेजने को क्या जरूरत थी आपको, उन्होंने उल्टा आके सारा गुस्सा हम पे निकाल दिया और पाक बीन उधर से उन्होंने भेजा और इधर से जिम्बाब्वे ने फिर हमें उल्टा उन्होंने ऐसा मारा है जिम्बाब्वे ने कि हम अभी तक उसे भूल नहीं पा रहे। और ऊपर से वो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट कर दिया पाकिस्तान को ट्रोल करते हुए, और उन्होंने उसने बोल दिया कि अगली दफा असल बीन भेजना और अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया नीचे। और ऊपर से हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी उसे रिप्लाई कर दिया। तो ये देखिए जरा रिप्लाई क्या किया। तो मतलब उधर हमें अलग दुख है और इनका अपना अलग वर्ल्ड कप चल रहा है उधर। तो बस यही है ना, तो मतलब अभी तक मतलब भूल नहीं रहे कि कैसे हार गया हम वो मैच। लेकिन चले कोई नहीं, होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह कमबैक करेगा पाकिस्तान। तो खैर एनीवेज, तो आज की वीडियो में जिस बारे में मैंने बात करनी है वो ये है कि इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स का जो मैच हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और आज श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंडिया और नीदरलैंड्स के मैच की। इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था और इंडिया की केएल राहुल एक बार फिर फेल हो गए। सिर्फ वो 4 रन बना के आउट हो गए केएल राहुल एक बार फिर। मतलब जैसे वो कहते थे ना कि कब आएगा टाइम अपना, तो आजकल वो राहुल का भी वो टाइम आएगा। सारे लगे हुए कि राहुल का टाइम आएगा, जैसे वो कहते थे मेरे करण अर्जुन आएंगे तो राहुल का भी टाइम आएगा। तो खैर नो ऑफेंसमेंट, 4 रन बना के राहुल आउट हो गए थे। और उसके बाद रोहित शर्मा और कोहली आए। कोहली ने एक बार फिर अपनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म कंटिन्यू रखी, और जिस तरह कोहली वापस आया ना अपने फॉर्म में, मैं कहता हूँ उसकी वो 2016 वाला कोहली ऐसे लग रहा है कि वापस आ गया 2016 वाला कोहली। और रोहित ने भी फाइनली अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन उसे काफी अच्छे वाले चांस भी मिले थे। 3 तो मैंने उसे कैच ड्रॉप होते देखे हैं, लेकिन नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ने भी जिस तरह अटैक किया था नीदरलैंड्स के बॉलर्स को, कोहली अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए दोनों ने 50s कम्प्लीट ली अपनी। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो 360 सूर्य कुमार यादव ने भी आते साथ ही जिस तरह आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और उसने नीदरलैंड्स के बॉलर्स को टारगेट किया। हालांकि मैच पहले 10 ओवर में नीदरलैंड के पकड़ा हुआ था उन्होंने इंडिया के बैट्समैन को और रन नहीं करने देते थे, लेकिन उसके बाद शर्मा और कोहली ने जिस तरह पे बैटिंग की अपनी अपनी 50s कम्प्लीट की हैं, और सूर्य कुमार ने भी अपनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग के साथ अपनी 50 कम्प्लीट की। और इंडिया जो थे उन्होंने 179/2 पे एंड किया अपनी इनिंग, और 180 रन का टारगेट दे दिया था इंडिया ने नीदरलैंड्स को मैच जीतने के लिए। और नीदरलैंड्स तो मतलब शुरू से फुस हो गए उनके सामने। नीदरलैंड्स तो मतलब इंडिया के बिल्कुल भी वो खेल नहीं पा रहे थे जिस तरह उनके हर्षदीप भुवनेश्वर बॉलिंग कर रहे थे, और पहली बॉल से पता चल रहा था कि मैच जो है वो क्लोज नहीं जाएगा। और नीदरलैंड जो थे वो फिर आसानी से मैच हार गए क्योंकि कोई 56 रन से मैच हारे थे। आप पहले 10 ओवर तो उनसे मतलब हिट ही नहीं लग रही थी, बाउंड्री तक बॉल ही नहीं जा रही थी, सर्कल मुश्किल से पार हो रहा था नीदरलैंड्स के बैट्समैन से। लेकिन आखिरी 10 ओवर में जो था उसके बाद थोड़ी बहुत फाइट की थी नीदरलैंड्स के बैट्समैन ने, लेकिन फिर भी 180 बहुत बड़ा टारगेट था वो भी इंडिया की बॉलिंग के सामने। लेकिन नीदरलैंड ने ट्राई अच्छा किया, लेकिन वो 56 रन से मैच हार गए थे। और सूर्य कुमार यादव जो थे वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले उन्हें 50 दी। और एक भाइयों वाला विश करूँ सूर्य कुमार यादव से कि आज जो साउथ अफ्रीका से मैच है ना उसमें भी अपना प्लीज आज अपने हमें 720 दिखाना है, जो मैं अपनी 720 डिग्री की शॉट्स खेलना है सूर्य कुमार और पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया की जीतने की जरूरत है आज। और कुछ जो आज जो मैच होने जा रहा है उसके कुछ सीन जो है ना नेशनल एंथम के दौरान वो कुछ ऐसे दिखेंगे। तो
खेल पाकिस्तान खेल नेशनल एंथम जो है वो पाकिस्तान का बज रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडियन के लोग इंडिया के लोगों से ज्यादा पाकिस्तान के लोग ज्यादा इस मैच को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स की कंटेंशन में रहना है तो इंडिया का साउथ अफ्रीका को हराना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले तो हमें ये दुआ करनी पड़ेगी कि हम अपना आज का मैच नैदरलैंड से जीतें, तो इंशाल्लाह वो तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह होपफुली इंडिया भी हमें एक फेवर कर देगा साउथ अफ्रीका को हरा के, क्योंकि फिर असल मजा स्टार्ट हो गया सेमीफाइनल की कंटेंशन का पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। और ये जिम्बाब्वे जो है ये छुपी रुस्तम टीम जो निकल आई है, 2 मैचों में 3 पॉइंट, 2 मुश्किल मैच खेले है, पाकिस्तान को हरा दिया, साउथ अफ्रीका से वॉश अवे हो गया उनका मैच, 1-1 पॉइंट मिल गया। आगे उनके 2 कंपेरेटिवली आसान मैच है नैदरलैंड बांग्लादेश का। तो मतलब जिस तरह के वर्ल्ड कप चल रहा है तो ये मैं ये ना कहूँ कि हो जाए कि जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में पहुंच जाए, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों बाहर हो जाए। तो मतलब दो दो बंदे लड़ रहे हो किसी चीज के पीछे, किसी खाने के पीछे, जैसे दो बंदे लड़ रहे हो लेकिन उठा के उसे तीसरा बंदा ले जाए, तो ये वाला सीन ना हो जाए, वो दो बंदे जो लड़ रहे हो एक दूसरे का मुंह देखते रह जाए, तो ये ना हो इस तरह। तो खैर, और आज एक और मैच भी हुआ था न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, उसमें भी सेम स्टोरी थी, क्योंकि न्यूजीलैंड जो थे वो पहले बैटिंग करे थे टॉस जीत किया, और श्रीलंका ने पहले 10 ओवर में न्यूजीलैंड को पकड़ा हुआ था, 3 आउट जल्दी कर दिए थे उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो जो बंदा है जो उनका वो फील्डर कम जहाज ज्यादा है उनका, कभी कभी अचानक से चल रहा होता है अचानक से ऐसा टेक ऑफ कर देता है वो और फिर कैच कर लेता है जाके। ग्लेन फिलिप्स की बात करूं, आपने सही पहचाना, ग्लेन फिलिप्स जो है उसने भी जिस तरह बैटिंग की है, और ऊपर से माशाल्लाह श्रीलंका के फील्डर ने जब वो 12 पे बैटिंग कर रहा, आपने उसका हाथों में आया कैच छोड़ दिया है, और एक और भी बाद में कैच छोड़ा था, लेकिन उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने फिर श्रीलंका ने ग्लेन फिलिप्स का कैच छोड़ा, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने श्रीलंका को नहीं छोड़ा। फिर जिस तरह उसने फिर मारा श्रीलंका के बॉलर्स को, किसी एक को नहीं छोड़ा, और न्यूजीलैंड को वहां से हार, मतलब 50 था न्यूजीलैंड का स्कोर, 10 ओवर में 3 आउट थे, वहां से वो उनका स्कोर 167 कुछ पे ले गया, और उसने अपनी आउटस्टैंडिंग 100 भी कम्प्लीट की, सेंचुरी कम्प्लीट की, और ये सेकेंड न्यूजीलैंडर बन गया वर्ल्ड कप में 100 कम्प्लीट करने के आफ्टर ब्रेंडन मैकलम। तो ये उसने अपने 100 कंप्लीट की, अमेजिंग इनिंग्स की उसकी, बहुत कमाल इनिंग्स की थी, और इससे साबित होता है कि वे कैचेज विन मैचेस किसी ने एम ही नहीं कहा था, ये वाकई में, और ये हमारी टीम पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि काफी बार हम जब कैच छोड़ते हैं तो वही प्लेयर हमें लड़ जाता है और वही अपनी टीम का मैच जिता देता है। कोहली की एग्जाम्पल ले लें, एशिया कप में हुआ था, और उससे बहुत पहले बहुत एग्जाम्पल थे हमारे पास। तो और श्रीलंका को 168 का टारगेट मिला था, श्रीलंका भी नेदरलैंड की इनिंग्स ये थी ना, वो सेम टू सेम पैटर्न था, श्रीलंका ने भी पुअर बैटिंग किया, श्रीलंका से बिल्कुल भी, उनके 8 पे 4 आउट हो गए थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बास्केटबॉल का मैच हो रहा है यहाँ पे, ये कबड्डी का मैच हो रहा है, 8 पे 4 हो गए थे श्रीलंका के, और बोल्ट ने और सऊदी ने जिस तरह बॉलिंग की, उसके बाद सैंट ने सऊदी ने जिस तरह बॉलिंग की, वो श्रीलंका को हिलने का मौका नहीं दिया, श्रीलंका 102 रन पे ऑल आउट हो गया, न्यूजीलैंड जो थे 65 रन से मैच जीत गए, और न्यूजीलैंड के रन रेट को मजबूत मजीद बूस्ट मिला, अभी भी अपने टॉप पे टेबल पे, लेकिन उन्हें मजीद बूस्ट मिल गया। और मैं कहते हैं न्यूजीलैंड वो बच्चा है, स्कूल क्लास का वो बच्चा है जो सारा साल फेल होता है, सारा साल मतलब फेल तो नहीं, खैर एवरेज स्टूडेंट रहता है, लेकिन जब एनुअल बोर्ड एग्जाम होते हैं ना तो टॉप हो जाता है, यही हाल कुछ न्यूजीलैंड का है। कि देखिए अभी ट्राई सीरीज, वो अपनी होम में पाकिस्तान से 3-2 मैच हारे हैं, वो उससे पहले वो बांग्लादेश अपने होम में हारे थे, टेस्ट हारे थे, T20 हारे थे, लेकिन अब वर्ल्ड कप में देखिए वो अगिल्ला की नरे वो टीम है जो बायलेटरल सीरीज खेलती है, तो यही हाल है उनका, वो क्लास में जो छुपा रुस्तम बच्चा नहीं होता वही उनका हाल है। तो खैर न्यूजीलैंड अपना मैच जीत गया, इंडिया अपना मैच जीत गया, और अब होपफुली आज जो 3 मैच होने जा रहे हैं, बांग्लादेश जिम्बाब्वे पाकिस्तान नेदरलैंड और इंडिया साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट फेवरेबल सोल्यूशन सिचुएशन होगी ना, सिनेरियो होगा वो होगा कि बांग्लादेश जो है वो जिम्बाब्वे को हराए, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो नेदरलैंड को हराए, और उसके बाद इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका को हराए, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के हाथ में चीजें आ जाएंगी, और पाकिस्तान जो है वहां से फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में आसानी होगी पाकिस्तान को। और सो होप फॉर द बेस्ट। आज मैंने थोड़ा स्टाइल चेंज किया अपने वीडियो का, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद लग आया होगा, और बस यही कहना था कि होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। सो
if that's it for this vlog, hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Allah Hafiz.